अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेग स्पिन से रिलेटेड। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि भाई हमारे लेग स्पिन में स्पीड नहीं है। आज ये वीडियो जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जिसके लेग स्पिन में स्पीड नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, लेग स्पिन में स्पीड जो है ना, इसके 3 टेक्निक है मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप ये 3 टेक्निक जो है ना, आप इसे फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपका लेग स्पिन में स्पीड आ जाएगी। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक नंबर 1 जो है ना वो है ग्रिप, नंबर 2 जो है ना फिंगर का इस्तेमाल, नंबर 3 जो है ना वो है फास्ट रनअप यानी तेज़ रनअप। मैं आपको पहले जो है ना ग्रिप से कहता हूँ कि इसका ग्रिप हम किस तरह पकड़ेंगे। बहुत से लोग जो है ना वो इस तरह का आर्म लेग ब्रेक करते हैं, बस सिंपली इस तरह, लेकिन ये जो है ना ये सीम पर लेग ब्रेक होता है बॉल इस तरह। और मैं आपको जो मैं जिस तरह करता हूँ ना तेज़ लेग स्पिन, मैं जो तरीका है वो इस तरह कि मैं क्रॉस सीम पकड़ता हूँ। किस तरह? मैं जो है ना क्रॉस सीम पकड़ता हूँ इस तरह, हमारा सीम जो है ना वो क्रॉस होता है। लोग इस तरह करते हैं सीम सीधा, और मैं जो है ना मैं क्रॉस सीम से करता हूँ, तो इससे जो है ना आपकी फिंगर में जान आएगी। और दूसरा जो है ना नंबर 2 टेक्निक जो है ना वो है इस जगह के बजाय इस जगह का इस्तेमाल। अगर आप इस जगह के बजाय इस जगह का इस्तेमाल करोगे तो आपकी बॉल में जो है ना जान आएगी, इसकी बजाय इस जगह का इस्तेमाल। क्रॉस सीम नंबर 1 पॉइंट जो है ना वो है क्रॉस सीम इस तरह, ये आप क्रॉस सीम पकड़ोगे इस तरह नहीं, इस तरह आप क्रॉस सीम पकड़ोगे। ये हमारा नंबर 1 टेक्निक है। नंबर 2 जो है ना वो इसी जगह के बजाय इस जगह का इस्तेमाल है। और नंबर 3 जो है ना, नंबर 3 वो है रनअप। अगर आपने देखा होगा कि राशिद खान जो है ना वो किस तरह रनअप करता है, वो बहुत तेज़ी के साथ भागता है और बॉल करता है। इंडिया का जो है ना बिश्नोई, अगर आपने इसकी वीडियो देखी होगी, वो भी बहुत तेज़ी के साथ आकर लेग स्पिन डालता है। तो इसलिए इसकी बॉल में जो है ना स्पीड है, लेग स्पिन में स्पीड है। तो आप भी जो है ना आप ये बॉल करोगे तो नंबर 1 टेक्निक जो है ना क्रॉस सीम पकड़ो इस तरह का, मैंने आपको ग्रिप सिखाया इस तरह का, ये ग्रिप है क्रॉस सीम की। और दूसरा टेक्निक जो है ना वो इसी जगह के बजाय इस जगह का इस्तेमाल करो। लोग जो है ना वो यहाँ से बॉल को स्पिन करते हैं और आप जो है ना आप यहाँ का इस्तेमाल करो। नंबर 2 जो है ना आप इस तरह आके तो आपकी बॉल की ग्रिप पर जो है ना ये जगह आएगी, तो इससे आपकी बॉल को जो है ना स्पीड मिलेगी। इस तरह आप आगे तो आपकी ये जगह यूज़ होगी। और नंबर 3 जो है ना आप अपना रनअप जो है ना वो फास्ट करोगे। लेग स्पिन जो है ना लोग करते हैं तो इस तरह के स्लोली स्लोली, और बॉल को जो है ना वो लेग स्पिन की तरफ डालते हैं। लेकिन अगर आप तेज़ लेग स्पिन करोगे तो आपका रनअप जो है ना वो थोड़ा तेज़ी के साथ आ पाओगे, यानी थोड़ा तेज़ करोगे अपना रनअप। जिस तरह मैं आपको सिखाता हूँ, आप जितने तेज़ी के साथ इस तरह आओगे तेज़ी के साथ, तो आपके बॉल जो है ना वो तेज़ी के साथ जो है ना ग्रिप हो जाएगा और लेग स्पिन की तरफ तेज़ी के साथ जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 टेक्निक जो है ना मैं आपको बताया, आप इसे फॉलो करो तो इंशाल्लाह आपके बॉल में जो है ना स्पीड आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।